बने रहें। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेम्बरान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाए आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काले बादल आ चुके हैं और तूफ़ान की तरह हवाएँ चल रही हैं तेज़ तेज़। तो आज मैंने धोए थे कपड़े, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, मैं जल्दी से आई हूँ कपड़े उतारने के लिए और मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह मौसम हो रहा बहुत ही प्यारा, बस दुआ करें मैं अपने कपड़े उतार लूँ। चले भी कपड़े उतारते हैं फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए कितनी हवा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़े मैंने माशाल्लाह सारे उतार लिए हैं रस्सियों से और ये रह गए हैं बस, ये मैंने यहाँ सुखा दिए। मोटी शर्ट है ना तो ये नहीं सूखी है, यहाँ सुखा दिए और कुछ कपड़े यहाँ सुखा दिए। ये देख सकते हैं दो पैंटे हैं शर्टें हैं तो यहाँ सुखा दिए हैं, बाकी माशाल्लाह सारे उतारे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पता चल गया तो एकदम से बारिश आई है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे जाके तैयारी, पहले मैं पढ़ूँगी नमाज फिर तैयारी कर रहे हैं। आज बना रहे हैं बिरयानी। तो बारिश देखें और हवा देखें, माशाल्लाह हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और दरख्तों को देखें माशाल्लाह से और मेरे पौधों को देखें, पौधों को देखें। तो चलते हैं नीचे क्योंकि पहले मैं पढ़ूंगी नमाज और फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, बिरयानी बनाएंगे। मैं और इकरा मिलके बनाएंगे, मैंने इकरा से बोला मुझे सिखाएं तो इकरा मुझे बताती जाएगी, मैं बनाती जाऊंगी। तो चलें फिर चलते हैं नीचे और करते हैं अपना काम शुरू। माशाल्लाह मौसम है बहुत ही प्यारा, दिल चाह रहा है कि बस यहाँ बैठी रहो और नहाती रहो। लेकिन उस दिन अंबर और इकरा थे और आज मैं अकेली हूँ यहाँ पर तो इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मैं जा रही हूँ नीचे। चलें फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि मैं ऊपर से आ चुकी हूँ कपड़े लेकर और अब बनाने शुरू कर दिए हमने बिरयानी। इकरा ने रख दिया ऊपर देखा और उसमें डाल दिया ऑयल और प्याज, उसको कर लेते हैं ब्राउन और फिर साथ में मसाले वगैरह भून लेते हैं, फिर आपसे शेयर करती हूँ। ज़रा मैं अपने तोतों को खाना देकर आती हूँ। तो प्याज यहाँ पर ब्राउन करने के लिए रखा हुआ है मेरा ब्राउन। तो इकरा काट रही आलू, तो प्याज ब्राउन हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन माशाल्लाह से इकरा ने धो लिए, धो के ये रख लिए। तो 3 किलो चिकन थी मंगाई थी कल माशाल्लाह से, जिसमें 1.5 किलो हमने धो के यहाँ रख दिए और 1.5 किलो भी वो धोनी है, ये आपको दिखाती हूँ। ये धोने के लिए रखी हुई, भी धो देती हूँ। और उसके अलावा चावल भिगो दिए हैं तो बस अभी इसका आलू काट लें, आलू काट रही है तो उसके बाद में मसाला वगैरह भूनते हैं। 2 किलो के करीब गोश्त और ये हम डालेंगे, हम शान की बिरयानी मसाला ये डालेंगे और टमाटर वगैरह दे दें। शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम मतलब चीज़ बनाते हैं ज़्यादा बनाते हैं, कम नहीं बनाते, ज़्यादा हो जाए कम ना हो। और अल्लाह पाक जितना दिल खोल के बनाते हैं उतने अल्लाह पाक देता है, शुक्र उस मालिक का। कम कम चीज़ें बनाने से ना हमारा दिल तंग होता है, शुक्र है मेरे मालिक अल्लाह ने बेशुमार ने से नवाजा है। तो चले जी अभी गोश्त फ्राई कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे। अदरक लहसुन डाल देते हैं जी, तो चिकन डाल दिए साथ में आलू डाल दिए और अब डाल रहे हैं लहसुन अदरक पेस्ट। ये मैंने अभी ना ताज़ा बनाया है तो लहसुन अदरक पेस्ट ज़्यादा डालेगा माशाल्लाह से। चिकन है 2 किलो और साथ में आलू वगैरह भी। तो चलो चिकन ज़्यादा है ना, चिकन ज़्यादा। और आलू कितने डाल दिए? आलू 1 किलो होंगे, 1.5 किलो हो गए बेटा, 1 किलो कौन सा है? हो गया पानी, कूलर में भी है पानी ठंडा बबलू। चलिए अभी मसाला भी डाल देते हैं, एक पैकेट डालते हैं फिर दूसरा चक के डालेंगे क्योंकि तेज़ ना हो जाए ना। अभी हरे वो जो लहसुन अदरक काटा ना सारा मेरे मुंह पे लग गए, हाथ धोएं फिर भी। चलिए इसमें लड़कना मेरे ही डाल देते हैं सारा मसाला, ये है फिर उसके साथ घर के मसाले भी, थोड़ा घर के मसाले भी डालेंगे फिर चेक करेंगे कि मतलब ज़्यादा ना हो जाए ना, कम भी नहीं। अच्छा कपड़ा है ना, कपड़े से पकड़ो, नहीं नहीं अल्लाह ने करके देख के अपनी जगह से हट रहा है ऐसे, आप कपड़े पकड़ लो डाल दो।
बाकी मसाले भी डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच भर के, दो चम्मच। हल्दी का दूसरी बोतल है इस डिब्बे में, तो मैंने ज्यादा डाल के रखी है ना। नहीं डाल देते, चल डाल लो, खुल गया तो डाल लो। वो है ना कि इस डिब्बे में मैंने ज्यादा डाल के रखी हुई, फिर बोतल में डाल लेती हूँ। चल हल्दी डाल ली, डाल लेंगे सुर्ख मिर्च बस एक चम्मच ना। चलो जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे डालेंगे। इसे अच्छी तरह बंद करो, ढक्कन उलट जाएगा उसका। बस चलो चले फिर इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो लोगों को खाना वाना दे दिए मैंने, और भी कुछ देखती हूँ उनको क्या खाना है, पानी वगैरह उनका साफ भर देती हूँ क्योंकि उनको बंद होने का टाइम है। आलू को फ्राई करके तो पानी डाल दिया, मतलब ये पक जाए ना, और वहाँ पर रख दिया पानी डालने के लिए, चावल उबाल के रख लिए। तो फिर मिलती थोड़ी देर बाद। और ये मैं लहसुन अदरक जो है ना छील के ना ये इससे ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि लाइट ही नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता। जब लाइट होती है तो काम कर रही होती मैं, जब काम से खारी होती है लाइट ही नहीं होती, तो मैं चलो अब इससे ग्रेट करके रख देते हैं। ये भी रख देते हैं बना कर। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल हमने बॉयल कर लिए हैं, और इससे पूरे नहीं आए तो फिर हाफ इसमें डालें। तो अब डाल देते हैं इसको, इसकी तेल लगा देते हैं, उसको दम पे रख देते हैं। पुदीना हरी मिर्च, इसमें लेमन भी डालना था लेकिन कुछ लोग खाते हैं, लेमन भी डाला था लेकिन कुछ लोग नहीं खाते इसमें। अब बस कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख हमारी बिरयानी होगी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पहले मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिरयानी हो गई हमारी तैयार, तो हमने डिश आउट कर लिया इसको, और इसके अलावा रायता भी बना लिया माशाल्लाह से, और सलाद भी बना लिया। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से तो चलें फिर अब आपसे जाती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तक ले जाए चाहूँगी अपना अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। तो अब हम देंगे सबको खाना और ख़ुद भी खाएंगे, तो आप में से जो आना चाहता है और आकर हमारे साथ खाना खा लें। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय।